हाय दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में मेरा स्वागत है, आर्ट दिनेश पंडित चैनल में। अभी दोस्त हम, ये मेरा सीमेंट का काम है, ये चबूतरा 2x3 का ढाले हैं, सॉरी 1.5x2.5 का, और ये करीब 6 फीट का मूर्ति बनेगा। दोनों कंधे में राम और लक्ष्मण रहेगा, हाथ में आधा माल फंसाए हैं, ये बालू चालने वाला चलनी को डाल के, ताकि इसमें काम थोड़ा फिनिशिंग होता है। ये दोनों साइड में राम और लक्ष्मण बनेंगे। पीछे में थोड़ा मटेरियल हार्ड होता है, डालते ही जम जाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, और ढलाई जब इसका। तो दोस्त, मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, हम इस मूर्ति को कैसे बनाते हैं। और मिट्टी का बनाना तो खैर ईजी है, लेकिन सीमेंट का बनाना इतना इजी नहीं है। सीमेंट में तो कुछ माइंड आपको ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इस पे जो सरिया जो रड होता है, हम इस पे बात करेंगे। और जो सरिया जो रड होता है, इसको डाई और एक लोहे की पाइप के मदद से हम इसको मोड़ते हैं। और ऐसे ही मेरा धीरे धीरे काम बढ़ते जा रहा है। पहले एक लेयर इसको चदरे के सहारा से इसको सेंटरिंग करते हैं, और सेंटरिंग करने के बाद दूसरे लेयर में इसको हम साइज पे माल डाल के करते हैं, तब फिर इसको हम प्लास्टर करते हैं। अभी हम राम लक्ष्मण फंसाए हैं, और आगे और लगभग मेरा माल इसमें सेट कर चुका है। एक राम फाइनल है और लक्ष्मण में नहीं लगा है। और ये जो हाथ देख रहे हैं दोस्त, हाथ माला, इसमें नेट सीमेंट, सिर्फ सीमेंट के पे ही काम होगा, इस पर बालू मिक्स नहीं करना है। अब जैसे इनका दाढ़ी बनाना है, अब इनका जैसे मुकुट का काम करना है या उंगली बनाना है, तो जहाँ पे आपको, जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सीमेंट है, जो डायरेक्ट सीमेंट का एक मिट्टी जैसा लेयर बनाए हैं, और सीमेंट को मिट्टी जैसा ही काम करना पड़ता है। बाकी बालू अगर मिक्स कर देंगे तो आप काट नहीं पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं दोस्त, हम जो हाथ में रखे हैं वो गिल्ला सीमेंट का, जो सिर्फ घोला जिसको बोलते हैं, उसी आइटम में इसको सिर्फ बनाते हैं। और एक छोटा सा करनी, एक चम्मच के बराबर करनी है, उस करनी के सहारे हम ये फूल को बनाते हैं। फूल तो नज़दीकी से दिखाएंगे दोस्त, ये फूल देखने में बहुत आकर्षक बनता है। इसमें मेन काम जो सीमेंट वाला जो करते हैं, जिसमें हम ये फूल जो बना रहे हैं, उंगली बनाएंगे, कान बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, ये सब जो भी काम होता है इसमें। और दूसरा एक गमछा जो इसका है, जिस गमछे में जो जाली दिए हैं बालू चालने वाला, उस बालू चलनी में सिर्फ सीमेंट का ही काम होगा, उसमें भी बालू नहीं डालना है। बालू डालने के बाद करनी आपका उस ढंग से नहीं चल पाएगा। देखिए फूल आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है, हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं फूल को। और ये मूर्ति सीमेंट का मूर्ति तो थोड़ा लंबा समय लग जाता है, इसीलिए हम थ्रू वीडियो नहीं बना पाते हैं। देखिए ये जो अभी माल हम बना रहे हैं, ओनली सिर्फ सीमेंट का है, और ये सीमेंट का जो है, इसी पे लेके हम उंगली का काम करते हैं। और जैसे एक बार आप सीमेंट डाल दिए, फिर डालने के बाद तुरंत उस पर काम नहीं करना है, उसको 10 मिनट छोड़ देना है। जब वो हल्का पानी उसका खींचने के बाद, प्लास्टिक का चियरी जो होता है, प्लास्टिक का करनी जो होता है, उसके सहारे काम करना है। आप जानते होंगे दोस्त, जो हम मिट्टी का मूर्ति बना रहे थे, जिसमें आपको एक प्लास्टिक का हम चियरी करनी, जिसको हम कमची बोला जाता है, वो आपको हम दिखाए थे, जस्ट उसी प्लास्टिक का करनी से हम उंगली बनाने में काम करते हैं, जो नोक वगैरह बनाने में बढ़िया मदद मिल पाता है। अब इस पे उंगली बनाने के बाद जितना मेरा जेवर का काम होगा, वो तो हम एक फड़मे से भी जेवर बनाते हैं, और ये तो हम ऐसे करनी से बनाए हैं, तो इसमें भी आपका बालू वाला माल नहीं मिलाना है, सिर्फ सीमेंट से ही बनेगा। और सीमेंट से बनने के बाद अगर वो सूखता है, तो उसको हल्का ब्रशिंग करना है, जो उसको नमी लाने के बाद हम उसको कट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो ये हम जेवर भी साथ ही साथ डाल रहे हैं, क्योंकि एक बार में एक काम को हम फिनिश नहीं कर सकते हैं,
एक बार माल हल्का हल्का फंसा है उसको छोड़ दीजिए, फिर तब तक जेवर का काम कीजिए। जब तक जेवर का काम छोड़ेंगे तब तक उंगली का काम मेरा पोजीशन पे आ जाएगा, फिर उंगली का काम कर लेंगे, फिर उंगली का काम करेंगे, फिर पुनः हम जेवर का काम करेंगे। बस ऐसे ही हिसाब किताब से काम करना पड़ता है। ये मिट्टी वाला काम नहीं है, एक काम फाइनल किए फिर तब दूसरा काम फाइनल करेंगे, ऐसा इस पर नहीं होता। इस पर दो काम तीन काम को चाल बना के रखना होगा, और वो चाल एक काम फाइनल होगा फिर दूसरा फाइनल होगा फिर तीसरा फाइनल होगा, एक साथ में होगा। तो जहाँ तक हो सकता है दोस्त हम बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। और हम प्रयास करते हैं दोस्त, मिल के चलेंगे, कदम से कदम मिलाइए, जिसमें मेरा आप लोग का मदद से मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और हम चाहते भी हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके उसमें बताएंगे, और हम कुछ आपसे भी सीखेंगे, कुछ हमसे भी आप सीखेंगे। बस यही तो आर्ट है, आर्ट का कोई जात नहीं होता है, आर्ट का कोई घर नहीं होता है, बस कदम से कदम मिला के चलना है। इसका एक लास्ट वीडियो अगर बन सकता है तो हम डालेंगे, ये उसको पार्ट टू करके डालेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट ही है। एक जेवर का हम आकार आपको दिखा रहे हैं, जो बस जेवर का आकार देखिए, इसका भी वीडियो हम शॉर्ट करेंगे। काम सीमेंट का ऐसा ही होता है दोस्त, जो सामने सीधा आप काम कर लीजिए, एक साइड छोड़ दीजिए, दूसरे साइड छोड़ दीजिए, सामने से आप अगर काम करते हैं तो आपको साइड के काम के बारे में पता चलेगा। और काम करने का एक तरीका मेरा उल्टा है दोस्त, हम ऊपर से काम नीचे नहीं करते हैं, हम नीचे से काम ऊपर करके आते हैं। पहले दोनों पैर बनाते हैं ताकि मेरा पैर का साइज रहेगा, लगभग कारीगर को आप देखिएगा पैर ये छोटा हो जाता है, तो ऐसा मेरा नहीं है। देखिए ये मेरा फाइनल वीडियो एक डाल रहे हैं सीमेंट का, लगभग मेरा फाइनल है। एक हाथ सिर्फ बाया हाथ नहीं बन पाया है, मुंडी सबका अलग अलग अपना डिजाइन होता है दोस्त, हम अपने डिजाइन पर बना रहे हैं। तो आपको ये मेरा राम लक्ष्मण कंधा में बनाया है, ये बजरंग बली आपको लगा कैसे कमेंट करेंगे, और अगर कहीं गलती है तो उसको भी बताएंगे, ठीक है दोस्त। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, हम सीजनेबल काम करते हैं। फिर अभी मेरा रामनवमी का दुर्गा जी का काम चालू होगा, वो मेरा दुर्गा जी का काम करेंगे, जो उसका भी वीडियो हम कुछ डालेंगे। तो अभी तो मिट्टी वर्क मेरा चालू है, दोनों साइड करना पड़ रहा है, कभी सीमेंट का कभी मिट्टी का, तो हम टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। ये लास्ट में आपको हम कुछ ज़्यादा नज़दीकी करके वीडियो को दिखा रहे हैं, ताकि आपको कुछ समझ में आए। ये वीडियो आपको खैर उम्मीद करते हैं अच्छे ही लगे होंगे, ठीक है दोस्त। बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, हम झारखंड से हैं, जोहार।